महादेव आप मामले में ईडी की ओर से गिरफ्तार किए गए ड्राइवर असीम दास अब अपने बयान से मुकर गया है। असीम ने ईडी निदेशक को जेल से एक लेटर लिखा जिसमें उसने कहा है कि उसे साजिश के तहत फंसाया गया है। असीम का दावा है कि उसने इस मामले में बघेल का नाम भी नहीं लिया, ना ही उसने कभी भी किसी राजनेताओं को नकदी रकम पहुंचाई है। उसने कोर्ट से कहा है कि उसे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। उसका कहना है कि ईडी ने उसे अंग्रेजी में लिखे बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, जिस कारण वो इस साजिश को समझ नहीं पाया। दास के वकील शोएब अलवी ने हमारे संवाददाता अजय सोनी से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जो लेटर बाहर आई थी उसके लेकर किस तरह से आपने अपना पक्ष रखा और न्यायालय ने उस पे क्या उसको किस तरह से माना है? हमने तो एक आवेदन के तौर पे उसको दिया है कि भाई हमने एक ब्रीफली बस वो आवेदन में लिखा है कि भी कैसे उससे ईडी के द्वारा, मतलब वो पढ़ा लिखा तो है नहीं, उसको इंग्लिश के इंग्लिश टाइप पेपरों में बस को डरा चमका के साइन करवा लिया, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, उससे उसकी स्टोरी उससे पूछा ही नहीं गया बेसिकली। ओके, उससे बस पहले से लिखा हुआ, पहले से टाइप उसके स्टेटमेंट्स थे। ओके, और ईडी वालों ने जो भी लिखा था उसमें बस बोला कि साइन करो, डराया धमकाए। वो माहौल देख के बेचारा अनपढ़ आदमी है, गरीब आदमी, वो डर माहौल देख के साइन कर दिया। okay. उसको कुछ पता ही नहीं है कि उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, उसको ना बताए हैं ना पढ़ाए हैं, इंग्लिश में लिखा है, उसको इंग्लिश आती नहीं है, कुछ आता नहीं है। हाँ. बस कर दिया है, थोड़ा बहुत तो आता है, उसमें भी उतना टेक्निकल समझ में नहीं आता उसको। ओके, तो वही चीज हमने लेटर में भी उसने बताई थी कि भाई कैसे किसी का नाम हम भी नहीं लिया था उसने, किसी को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है मैटर को, कोई राजनीतिक लाभ के लिए था नहीं पैसा, वो बिजनेस के लिए पैसा था। okay. बट अब एजेंसी की दुर्भावना है कि भाई वो पॉलिटिसाइज कर रही है उसको। ओके, तो यही सब चीज हमने ब्रीफली एक अपने एक आवेदन बना के वो लेटर को फोटोकॉपी लगा के हमने कोर्ट में पेश किया। ओके, अब उस पर कोर्ट ने उसको लेटर को ले लिया है, ऑन रिकॉर्ड ले लिया है, हाँ कुछ टिप्पणी नहीं की है बट रिकॉर्ड पे है, वो आगे थोड़ा मामला जब बढ़ेगा तब उस पे कुछ होगा। दास के वकील शोएब अलवी ने जानकारी दी कि अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 7 दिन के लिए बढ़ा दी। दास ने जेल से ईडी के निदेशक को पत्र लिखा था। इस लेटर को ब्रीफ बनाकर हमने कोर्ट में पेश किया है जिसे कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड ले लिया है। वहीं इस मामले में ईडी के वकील सौरभ पांडे ने दावा किया है कि असीम दास की गाड़ी से ही पैसे जब्त किए गए हैं, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं। उनके वकील के माध्यम से पेश किए गए लेटर की सत्यता और प्रामाणिकता की जांच के बाद सारी चीजें साफ हो जाएगी, हमारी इन्वेस्टिगेशन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ये जो असीम दास है जो अरेस्टेड है महादेव ऐप केस में, उसके पास से 5,39,00,000 रुपीस सीजर किया था, जिसमें से कुछ पैसा एक गाड़ी में से सीजर किया गया था जो कि वो चला के लाया था एयरपोर्ट से, और कुछ पैसे जो थे वो पैसे थे जो उसके घर से बरामद किए गए थे, जो टोटल करके जो हमने अमाउंट था वो था 5,39,00,000 का। अब वो स्टेटमेंट उसके हमारे सामने सेक्शन 50 के रिकॉर्ड हुए, हमने उसके यहाँ पे रिमांड लिया था, कस्टडियल रिमांड ली थी, स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए, अभी वो जुडिशियल रिमांड पर रायपुर जेल में निरुद्ध है। और उसने एक लेटर जो है स्पेशल कोर्ट को लिखा है, मनी लॉन्ड्रिंग स्पेशल कोर्ट को लिखा, उसको कॉपी टू कई और लोगों को है, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और अन्य ऐसे लोग हैं जिनको उसने एड्रेस करके रखा है। और वो लेटर जो है वो ऑलरेडी स्पेशल कोर्ट में आ चुका था, लेकिन कल उनके माध्यम से, उनके एडवोकेट के माध्यम से एक एप्लीकेशन पेश किया गया कि इसको रिकॉर्ड में लिया जाए। हालांकि कोर्ट का ये व्यू था कि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि वो जेल से जेल अधीक्षक के थ्रू आया तो ऑलरेडी अवेलेबल था, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट थी, तो चूँकि ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट में तो दोनों पार्टी अगर कोई दस्तावेज देना चाहते हैं तो कोर्ट उसको रखता है, लेकिन उसकी सत्यता की प्रामाणिकता, सत्यता एवं उसकी प्रामाणिकता की जांच तो तब होगी जब कोर्ट का में ट्रायल चलेगा, हमारी इन्वेस्टिगेशन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बता दें कि महादेव ऐप मामले में कथित कैश कुरियर असीम दास को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसमें पूछताछ में ईडी को बताया गया था कि सीएम भूपेश बघेल तक भी कैश पहुंचा था, लेकिन असीम दास अब अपने बयान से मुकर गया है। अब उसने कहा है कि वो स्पष्ट कर देना चाहता है कि उसने कभी भी सीएम बघेल या किसी अन्य कांग्रेस के नेता का कोई नाम नहीं लिया। फिलहाल असीम दास की न्यायिक रिमांड 7 दिन के लिए बढ़ा दी गई है और इस मामले में अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। रायपुर से अजय सोनी की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।